हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अलका की रसोई। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर की एक बहुत ही बेहतरीन डिश, जो कि देखिए देखने में बहुत ही लाजवाब लग रही है। तो इंतज़ार किस बात का, चलिए फिर फटाफट से सीखते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर हमने पनीर लिया है, 400 ग्राम है। तो इस तरह इसको हम क्यूब्स में काटेंगे। पहले इसके जो क्यूब्स होंगे ना, वो चौकोर नहीं होंगे, त्रिकोण होंगे। इस तरह से देखिए, मैं बकायदा आपको इस तरह काट के दिखाती हूँ कि हमारा जो पनीर होगा वो किस तरह से कट होगा। ये देखिए, क्योंकि पनीर की स्पेशल सब्जी है तो कुछ स्पेशल तरीके से ही बताऊंगी। अब क्या करना है, बीच से पनीर को इस तरह से कट कर देना है। पर याद रखिएगा, पनीर के जो दोनों पीसेज हैं उन्हें अलग अलग मत करिएगा, क्योंकि इसका हमें सैंडविच बनाना है। तो एक के ऊपर एक ही सेट करके रखिएगा इस तरह से। तो पनीर के सारे पीसेस को इसी तरह कट कर लीजिए और एक दूसरे के ऊपर रखकर सेट करते जाइएगा। ये देखिए, इस तरह से पनीर जो है हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड पनीर चलेगा। तो यहाँ पर हमने सारे पनीर को कट कर लिया है और अब क्या करना है, इसके अंदर जो हमें फिलिंग बनानी है वो तैयार करते हैं। तो यहाँ से 25 से 30 काजू लिए हैं मैंने और ये तरबूज के बीज हैं। आप चाहे तो खरबूजे के बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तेल है, तो दो दो चम्मच दोनों चीज़ ली है, दो बड़े चम्मच तरबूज के तिल और दो बड़े चम्मच तेल। यहाँ पे डालेंगे हम हरा धनिया। तो अब क्या करना है, बिना पानी डाले इसे मिक्सी में ऐसे पीस लेना है। याद रखिएगा, पानी ऐड बिल्कुल मत कीजिएगा अभी फिलहाल। तो ये हमने सूखा सूखा सा पीस लिया है। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। तो अब इसमें दो बड़े चम्मच दही ऐड करके फिर वापस हमें इसको पीस लेना है और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक जो है वो बहुत ही हल्का ऐड करिएगा, क्योंकि पूरे प्रोसीजर में हम दो तीन बार नमक यूज़ करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये इसकी जो फीलिंग है ना, वो इतनी टेस्टी और यमी है, आप जब बनाइएगा तब खाकर या चखकर ज़रूर देखिएगा। देखिए, हमारी ये जो चटनी है काजू वाली वो तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके बीच में बिल्कुल स्प्रेड कर देंगे अच्छे से इस तरह से, और ये ऊपर इसे कवर कर दिया। तभी मैं कह रही थी कि पनीर के दोनों पीसेस को अलग मत करिएगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बस बिल्कुल इसी तरह से सारे पनीर के जो पीसेस हैं उन्हें हमें इसे कोट कर लेना है अच्छे से। ये देखिए इस तरह से, इसका जो फ्लेवर आता है ना जब सब्जी बन जाती है पनीर का, अलग से बहुत ही खिल के आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और कुछ यूनिक सब्जी है ये, ना तो इंडियन है ना चाइनीज है। ये देखिए इस तरह से, ये सारी सैंडविचेस जो है पनीर की वो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो यहाँ पर हमने लिया है बाउल और अब बनाने वाले हम घोल। तो यहाँ पर 4 चम्मच हमने मैदा लिया और 4 चम्मच, ये देखिए इसी चम्मच से हम मेजर कर रहे हैं, कस्टर्ड पाउडर लेंगे। तो ये देखिए, अब दोनों को इक्वल लिया है और थोड़ा सा पानी जो है वो अब ऐड करके इसको इसका एक बहुत ही अच्छा सा घोल तैयार करेंगे। तो पहले थोड़ा सा पानी लेंगे और फेंट लेंगे इसको अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा पानी के साथ अगर फेंटेंगे तो इसके जो लम्स हैं या जो गाँठें हैं वो बहुत देर से छूटेंगे। देखिए, थोड़ा सा पानी लिया और थोड़ा टाइट टाइट सा इसका फेंट लिया, तो बिल्कुल भी इसमें गाँठें नहीं है। अब और पानी ऐड करेंगे, उससे पहले हमने यहाँ पर नमक डाल दिया है। तो ये देखिए, नमक थोड़ा सा ही डालिएगा, क्योंकि मैंने बताया 2-3 जगह नमक ऐड होगा। और अब इसे अच्छे से फेंट के बिल्कुल अच्छा सा स्मूथ सा घोल तैयार कर लेना है हमें। ये देखिए इस तरह से, ये घोल भी हमारा रेडी हो गया है। तो चलते हैं, अब क्या करना है, ये जो पनीर का हमने सैंडविच बनाया था उसे इसमें डीप करना है और फिर वापस हमें इसे गैस पर डीप फ्राई कर देना है। तो हमने यहाँ पर तेल पहले ही चढ़ा दिया था जो कि गर्म हो चुका है। ये देखिए इस तरह से, तेल भी जो है वो बहुत गर्म हमें नहीं चाहिए, तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे तलेंगे। तो सारे के सारे जो सैंडविच है उसमें डीप करके हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से, फटाफट से जल्दी जल्दी करते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि ये जो सैंडविच हम बना रहे हैं, अगर इसे आप कढ़ाई से ऐसे ही निकालेंगे तेल से, तो आपका मन करेगा कि एक बार इसको ऐसे ही खाकर देखा जाए। तो आप टेस्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। भाई सब्जी है, फिर उसके बाद ये सैंडविच है, तो हर चीज़ का अलग अलग मज़ा है इस सब्जी में। ये देखिए, अब इसको हम उलट पलट कर लेंगे अच्छे से
और बहुत ज़्यादा हमें इसे रेड नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको तला और फिर उसके बाद कढ़ाई से निकाल दिया। तो बिल्कुल इसी तरह बाकी के बैचेस जो है वो भी हम डीप फ्राई करके अलग कर लेंगे। ये देखिए हमारी सैंडविच लग रही है ना, बिल्कुल जानदार। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। यहाँ पे कढ़ाई पे हमने तेल डाला था, ये मस्टर्ड ऑयल है और इसमें हमने डाले हैं काजू, 8 से 10 काजू जिसको महीन महीन हमने काट लिया है, ये देखिए इस तरह से। और अब थोड़ा सा इसको पिंकिश करेंगे इसी तेल में और फिर हम डालेंगे लहसुन। तो लहसुन की यहाँ 2 पूरी पूरी कलियाँ हैं जिसको छिलकर महीन महीन हमने काट लिया है और वो डालेंगे इसमें। तो देखिए तड़के का स्टाइल भी अलग है ना, तभी तो मैं कह रही थी आपसे, यहाँ 4 लाल मिर्च और 4 हरी मिर्च, हरी मिर्च को हमने बीच से कट कर दिया है। तो अब इसको भी इसमें ऐसे ही तड़कने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर और फिर इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर 2 बड़े प्याज मैंने लिए हैं जिसको इस तरह से बारीक महीन महीन काट लिया है और उसको भी अब इसी तेल में थोड़ा सा डिस्को डांस कराया जाएगा। तो ये देखिए बाकी के मसालों के साथ ये प्याज भी हमारी थोड़ी सी सुनहरी हो जाने तक इसमें हम भुनेंगे। लीजिए ये देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा अब कलर भी नहीं चेंज करेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, 1 लाल शिमला मिर्च, 1 हरी और 1 पीली। वो क्या है ना कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें ऐड करेंगे तो ये देखने में बहुत अच्छी लगती है और सबका जो टेस्ट है, हालांकि होता एक ही जैसा है, पर ये है कि सब्जी की जो रंगत है ना वो खिल जाती है। तो देखिए देखने में लग रही है ना खिली खिली रंगत वाली हमारी खिली खिली पनीर की सब्जी। ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, बहुत ही हल्का सा नमक ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से हम चला लेंगे। तो याद रखिए इसको हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा क्रंचीपना इसमें रहना चाहिए अंत तक। और अब इसमें हम डालेंगे शेजवान चटनी, तो ये 4 छोटे चम्मच है शेजवान की चटनी के, वो इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है तीखापन सा। और अब 4 चम्मच टमाटो सॉस, ये इस तरह से, बहुत ही बेहतरीन सब्जी है। और 1 चम्मच कुटी हुई काले मिर्च, ये डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा कलर के लिए। वैसे तो नॉर्मली इसमें आप फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, पर अगर कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये देखिए। और अब अच्छे से चलाने के बाद हम अपने जो सैंडविच हैं जो हमने बनाए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए देखने में बिल्कुल बढ़िया सी लग रही है ना कि हाँ कुछ यूनिक सब्जी है, घर में बनाई जाए और सबको टेस्ट कराया जाए कि ये कैसी है। तो एक बार बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि रियली ये सब्ज़ी कैसे होती है, कैसी लगेगी। तो जो हमारा वो फीलिंग थी जो हमने पनीर में भरी थी वो थोड़ी सी बच गई थी, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। आपके बच्चे तो आप डाल दीजिएगा, ना बच्चे तो कोई बात नहीं। अब इसमें क्या किया हमने, ये कस्टर्ड जो था वो घोल कर पानी में उसको इसमें ऐड कर दिया है और फिर अच्छे से चलाएंगे। और इसमें 1 ग्लास पानी मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि ये हमें बिल्कुल सूखा सूखा नहीं चाहिए, थोड़ी सी ग्रेवी के साथ चाहिए। और ग्रेवी भी अब बहुत ज़्यादा मत रखिएगा क्योंकि फिर सब्जी का जो स्वाद है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो अब उलट पलट करते हुए इसे 2 मिनट तक ऐसे ही कुक करिएगा और फिर लीजिए हमारी जो पनीर नर्मदा है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखने में देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये सब्जी कैसी लगी। तब तक मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।